हेलो दोस्तों, स्वागत तुम लोगों का एक और गेमिंग मीम वीडियो है। यस, आज हम लोग फिर से देखने वाले मीम्स। पता नहीं कितने साल हो गए मेरे मीम्स नहीं देखे। ओके, साल तो नहीं हुए दिन हुए होंगे। ओके वेट, इधर दिखा रहा है 9 दिन हो चुके हैं, मैं खुल के हंसा नहीं हूँ। क्या चल रहा है भाई जिंदगी में? और मेरी छोड़ो यार, तुम नहीं हंसी हो 9 दिन से। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता भाई, आज हम दोनों हंसेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके मम्मी सुनो। हाँ बेटा। क्या मैं बहुत बोलता हूँ? नहीं। क्या मैं ना समझू? नहीं नहीं। क्या मैं मोटा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो सब मुझे ये क्यों कहते हैं कि तू अपनी माँ पे गया? भाई तू तो मौत से टक्कर। ओके भर लिया पानी, ऑल सेट। भाई गर्मियों की यही टेंशन रहती है क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है। नहीं है ना बेटा, बीवी ही नहीं है, किसके लिए लूं? अभी शादी करने के बाद लूंगा। सही है, तुम अकेले ले रहे, वो किसी की बीवी नहीं है। भाई सही बोला उसने, आज तो ही बेच के रहेगा। बेटा माँ बाप जब बच्चों को मारते हैं ना तो वो आशीर्वाद होता है, रो मत खाना खा ले, थोड़ा सा तो मारा है। भाई मेरे को बताओ, ऐसे रोते रोते अगर तुमने रोटी खाई है तो भाई सबने ही खाई होगी यार। ये आवाज कितनी रिलेटिवल है। आजकल के बच्चे इतना फोन चलाते हैं, तुझे क्या लगता है ये सही बात है या गलत? गलत। बच्चों को पता तो है भाई के साथ चीटिंग। मैं उसमें जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। चाहे 100 मिलियन क्यों ना हो जाए, पढ़ाई तो पढ़ाई है, सबसे सबसे ऊपर पढ़ाई। नहीं, सबसे नीचे पढ़ाई। ओए भाई ये क्या बना दिया यार, द इगोइस्टिक चोर। चल बे साने, जेब में जो कुछ भी है सब निकाल। चल अबे क्या कर रहा है? तू नहीं तो कही जेब में जो कुछ है निकाल। अबे अपनी में से निकाल, चोरी चल रही है। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ जेब में डाल। अभी तो जेब में से निकलवाया, आप जेब में डाल दूँ? अबे मेरी में डाल। अबे तो ऐसे कहना, साली पहली बार कर रहा क्या चोरी? अबे ओ ऐसे कैसे रहा तू? मैं तो ऐसी हटू, तू चोरी करना आया ना, चोरी कर, निकल। तेरे कहने से करवा क्या? हाँ मेरे कहने से करेगा ना, कर रहा बता क्या कर लेगा। आज यही खड़ा हूँ, तू चोरी करवा के दिखा दे। मैं भी यही खड़ा हूँ, मैं भी चोरी करवा के जम्मा। तो किसी और से करवा ले चल। तुमने मुझे छेड़ा, तू करेगा? जब मैं चोरी कर रहा था तो तू मेरे पे अट्ठा क्यों? मैं तो ऐसी अट्ठूंगा तो मैं भी ना करूँ चोरी। योरक का फोन तू ही चुराऊंगा। योरक हमें यहाँ चक्कू, और आज तू चोरी करवा के दिखा दे। देख ले 50,000 रुपए का फोन है। इतने कही हो अपने चूतड़ों में, दे ले मुझे चाहिए ऐसा फोन। ना चाहिए ना? ना चाहिए। तो योरक का फोन मैं रहा हूँ, जा। हाँ जा, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ तो जा। देख ले मैं जा रहा हूँ, कोई फोन चुरा लेगा तेरा। हाँ चुरा दे, चल चुरा दे। तो भाई चोर की भी इज्जत होती है यार। मी डूइंग मैथ्स। ओके सॉल्व कर रहा है बंदा, सॉल्व कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, फिर क्वेश्चन नहीं हो रहा भाई। आई एम आउट ऑफ दिस। भाई क्या कर रहा है? सो रहा था, मिलने कब आएगा? सोमवार को। लव यू भाई, लव यू 100 सो मच ब्रो। हाँ भाई दे दूंगा तेरे 100 रुपए, ऐसी बेइज्जती मत किया कर भाई। मैंने जो भी किया है देख रहे हो तो, बट मैंने एक रिएक्शन वीडियो पे रिएक्ट किया अभी। वाओ, अब इसमें कोई रिएक्ट कर दे लूप बन जाएगा फिर तो। रिलेटिव बेटा खीर लोगे हलवा? घर में एक ही कटोरी है। बता हरामी हो। अगर एक है तो एक ही में दोनों ले आओ। अरे भैया 10 समोसे दे दियो। देता हूँ भाई। भैया थैली में डाल दूँ? ना मुँह में रख दे, जल्दी खाओ, नौ रखने हैं। बॉलीवुड साउथ मैं ना बनने वाला। टीवी
काम करने के लिए वो जग गया. गर्लफ्रेंड ही डेफिनेटली टॉकिंग विद अदर गर्ल्स. मीनवाइल हिम कैमरा चालू है ना. देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता था कि इस दुनिया में सबसे आलसी मैं ही हूँ. लेकिन ये देखिए, मैं रास्ते से जा रहा था तो भाई साहब सड़क के बीचों बीच ऐसे सोए हुए थे जैसे मानो कि दिन भर फैक्ट्री में काम किए हैं, पूरा 8 घंटे मजदूरी करके आए और सोए हुए हैं. भाई क्यों, अपने लाइफ को लेकर तुम क्यों सीरियस नहीं है? इनके भाइयों को देखिए, एक इधर जा रहा है, देखिए सब काम कर रहे हैं. सब आवारा हो गए. पर मुझे तुमसे उम्मीद है मेरे भाई, तुम क्यूट हो. तुमसे मुझे उम्मीद है कि तुम लाइफ में कुछ करोगे, कुछ बड़ा करोगे. तो तुम करो, तुम सुंदर हो, हैंडसम हो. मैं तो कहता हूँ तुम मॉडलिंग करो. कोई जवाब नहीं, एटीट्यूड. बस यही एटीट्यूड है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे. एटीट्यूड सही करो अपना भाई, लाइफ में अगर कुछ करना है तो किसी को बताना मत. लो एक किस्सी ले ली है तुम्हारा, ठीक है, चलो बाय. मॉडलिंग करने को बोल दिया उसने. प्रणाम अंकल. खुश रहो बेटा, खुश रहो. और पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है. आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? सोचे ना अंकल, आप जाएंगे तो मिक्सचर बिस्कुट खाएंगे. भाई ये तो सबने सोचा हुआ है. भाई एक बार तो मेरे साथ हुआ था, मैं खा रहा था और रिश्तेदार वापस आ गए. मैं खाते हुए देख लिया यार. फिर मैं जो लेके भगा हूँ वो प्लेट प्लेट नहीं छोड़नी. ओए मोइज, तेरे इंग्लिश में 3 नंबर आए हैं. क्या तेरे इंग्लिश में 3 नंबर? ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता. मैं भी देख के आ रहा हूँ रिजल्ट. Impossible. हो सकता है भाई. मम्मी ये रिश्तेदार कितने अजीब होते हैं ना. ऐसे नहीं बोलते बेटा. अरे मम्मी मैं पापा वाली साइड की बात कर रहा हूँ. हाँ ये तो है भाई. भाई इस बात में सबकी मम्मी एग्री कर रही है, बता रहा हूँ. मेरी खुद करती है यार. POV when you study one day before exam. यार पढ़ रहा हूँ तो समझ सा आ रहा है. मतलब दिमाग तो है मेरे अंदर, अगर पहले से पढ़ लेता ना सारा आता होता आज मुझे. अबे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है अभी तूने, ऐसा 15 और चैप्टर है. बेटा ये तो है, समझ आता है भाई इतने दिनों बाद पढ़ने के बाद भी. रिलेटिव के घर 5 बाल्टी डालने के बाद भी एक पीस तैरता रहा. भाई उसको हाथ से बाहर निकल. हट गंदा. क्या बोल रहा भाई यार. एक बंदा यहाँ पे कमेंट कर रहा है, जहाँ से निकाला वहीं डाल. अरे एक बंदा और कमेंट कर रहा है, हाथ से पकड़ कर खिड़की के पास रख दे. अबे ये तो मेरा आइडिया था अभी. भैया लड़कियों से बात करने के कुछ टिप्स दे दे. देख कोई लड़की बोली ना हे हे पागल, तो उसको बोलना हाँ तेरे प्यार में. हाँ पागल. तू पागल, तेरा बाप पागल. अबे अभी तो टिप्स लेके गया था यार. चल यार, चलना अच्छा नहीं लगता यार. चल ले भाई. क्या हुआ? अरे कहाँ ले जाने की बात कर रहे हो आप इनको? अरे कुछ टाइम पहले मैम हमारा दोस्त गुजर गया था, तो आज उसकी तेरी भी है, तो मैं बोलूँ चल ले भाई. तू तो चल नहीं रहा. अब जा क्यों रहे हो उनकी टीम में, जाना चाहिए आपको. मैम मेरे को बुलाया नहीं उसने. भाई बिना बुलाए कहीं जाता नहीं, ठीक है. क्या मतलब वो इंसान ही मर गया है, बुलाना चाहिए फिर भी. मम्मी पापा के सामने कस्टमर केयर वाले से इंग्लिश में बात कर ली. ये एटीट्यूड. भाई मम्मी तो खुश हो जाती थी यार, उस दिन तुम जो मांगो वो मिलता है. मेरे बेटे को इंग्लिश आती थी, थोड़ी बोली थी यार, वो भी इस एम दा हूँ ये सब. क्या टी शर्ट लग रही है भाई के ऊपर यार, नंबर एक नया वाला माल निकाला है क्या? अबे यार मैंने सोचा था मैं अपने लिए पहनूंगा यार. भाई ना ले भाई, मुझे देना, मैं 600 रुपए दूंगा खड़े खड़े. कॉपी में लिख देना मेरे नाम की. लग रही है यार टी शर्ट. भाई ये मैं अपने घर से पहन करके आया था, 250 रुपए तुम मुझे दे दो और टी शर्ट ले लो भाई. अबे फंस गया भाई आज. घर वालों ने मुझे सामान की लिस्ट बना के दी और बोले कि कुछ भूलना मत. मैं लिस्ट ही घर भूल गया. पहला स्टेप ही छोड़ दिया भाई. मम्मी हाँ? यार 100 रुपए देना, मेरे को कुछ काम है. क्यों, जो परसों दिए थे पहले उसका हिसाब दे. मम्मी अगर हिसाब कर ही रहे हो तो उन पैसों का भी हिसाब करो जो बचपन में भू और मासी दे के जाते थे और आप रख लेते थे. भाई यार ये गलत बात है, प्लीज करो. क्या ना बता रहा हूँ, मेरे पास वो वाले पैसे होते ना जो बचपन में मिले थे और मम्मी ने छीन लिए, मैं करोड़पति होता आज, ठीक है. SIP कर कुर के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. मम्मी ने सारे पैसे दबा लिए, देखना रही हूँ बस. स्कूल हॉलीडे होमवर्क का हॉलीडे होमवर्क लिखो. मैथ्स में चैप्टर 1, 2, 8
तीन चैप्टर है ये तो ऐसे ही हो जाएंगे। इन आटो चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस करनी। इन इंग्लिश डेली राइट अ फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर और ऐसे। इनफॉर्मल लेटर लिखूंगा, इजी भी रहता है। अच्छा ये इंग्लिश वाला और नहीं है, हिंदी वाला और ए यू आर। यार चलो फाइनली। कार, ट्रेन, शिप, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे एक चार्ट बना के आना है तुम सबने। स्कूल बुला लो सर, स्कूल बुला लो। मेरे को समझ नहीं आता भाई फिर उसको वैकेशन बोल क्यों रहे हैं? जब इतना काम देना ही है तो है। मैं वैकेशन पे छुट्टी मनाने जा रहा हूँ, खुश होने जा रहा हूँ, होमवर्क क्यों दिया मुझे है? क्यों? मैन विल बी मैन। बेचारा भाई मैं चला गया आराम से देख रहा था। मर्द ही मर्द का दुश्मन बना बैठा है भाई। ओए ये क्या था? दो MCQ गलत हो गए। Me and my friends. भाई ऐसा कौन करके आ रहा है? डॉग्स क्राइंग ड्यूरिंग मिडनाइट। बाहर के लोग डॉग मस्ट बी हंगरी। हमारे इंडिया के लोग कुत्ते को आत्मा दिख रही शायद। भाई ये तो मैंने एक वीडियो में ही बोला है शायद मेरी। कुत्ते भाग रहे उनको आत्मा दिख रही होगी। ठीक है भाई मैं तो मानता हूँ इस चीज को। ठीक है हाँ। देखो सर हो तो ऐसे हो, हमें भाई क्वेश्चन पहले से बता दिए गए थे, आंसर रेडी है और जो जिनके मिस हो गया था फोन भी रेडी है, सबके फुल मार्क्स आएंगे। सर ऐसे सरों को दुआ मिलती है भाई, बेस्ट है भाई बेस्ट। सही में गया भाई, सोचो इस बंदे के पास दो फोन है, एक फोन नीचे रखा था, एक फोन से रिकॉर्ड भी तो कर रहा है। ये है जिंदगी भाई, हमारे टाइम पे कैलकुलेटर वाली वॉच भी ले आओ तो भी दिक्कत। सर बीटिंग माय फ्रेंड हु रोट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंस्टेड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2.78 मी हु रोट जानती हो मेरी। भाई अबे तेरे को समझ नहीं आया, वो एक्स की वैल्यू क्यों पूछेंगे? रिची रिच। यहाँ पे एक एसी नसीब नहीं हो रहा है, मतलब एक ही हो रहा है, वो देखो दो लगे हो, एक फैन भी है। सही है भाई, तालियां। ये अनएक्सपेक्टेड था भाई। चल भाई कुछ खा के आते हैं, आज मन नहीं कर रहा है यार, पेट भर गया है मेरा। आज मेरे तरफ से खर्च रहेगा, रहने दे भाई कल चलेंगे। रुको भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं। अरे यार कल चलेंगे ना। रुको भाई हम अपना बाइक लेकर आ रहे हैं। भाई देखो इसमें कुछ गलत नहीं, ये दिन नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि दोस्त में बोल दे कि मेरी तरफ से खाना है, ये काफी कम होता है। POV घर का छोटा बेटा। मम्मी आज के बाद कोई जरूरत नहीं है आपको काम करने की, ठीक है? अच्छा। और खाना बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मेड रखवा दूंगा, वो बनाएगी खाना, ठीक है? और आप सब्जी लेने जाती हो ना, आपके साथ ड्राइवर जाएगा आज से, आप अकेले नहीं जाओगी, ठीक है ना? हाँ। और आपको एक कार्ड दे दूंगा, ठीक है? आप पैसे कमाने लगाओ मैं, ठीक है? जो शॉपिंग करनी है आपको जितनी मर्जी सब कर लेना, ठीक है ना? हाँ। मैं जरा दोस्तों के पास जा रहा हूँ, ठीक है? वो एक जरा 500 का मिलेगा। अबे दिन आता लेने आता। भाई अब फेयरवेल है, क्या करूं? भाई एक लास्ट चीज है ये, ठीक है? हैपनिंग बनाओ इसको, यादगार बनाओ, समझे? फेयरवेल ऑर्गेनाइज तुम खुद ही करवाओ, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तुम कि भाई मैं फेयरवेल ऑर्गेनाइज करवाऊंगा। फेयरवेल के लिए सबसे पैसे इकट्ठे करो और जिस दिन फेयरवेल हो उस दिन तुम गोवा में हो। नोट कमाए दुनिया ने तेरा। मेरे को भी इनवाइट करना है। भाई गाना सब फेयरवेल में आ रखे हैं, क्या चालू है? चालू तो नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज इन विंटर।
electricity voltage in summer. मैं ना घूमूं भाई, ये तो बात है, जो चीज की जब जरूरत होती है वो तभी नहीं मिलती। क्या इतना महंगा? अरे नहीं नहीं रुको, अभी मैं पूछ के बताती हूँ। बेटा अभिषेक, हाँ मम्मी, आज गोल्ड का रेट क्या चल रहा है? मम्मी छोटी वाली 10 की और बड़ी वाली 18 की। देखा मैंने कहा था ना, छोटी वाली 10 की बड़ी वाली। किसकी बात हो रही है भाई? देखो मुझे पता है ऐसी चीज होती है, कॉज मेरा एक दोस्त है वो पीता है, ठीक, मैं दूर हूँ सब चीजों से। ओके तो आई गेस आज की वीडियो के लिए काफी ज्यादा हो चुका है, एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्तों को। तो हाँ, मैं तुमसे मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। मेरे बाल कितने गंदे हो रखे हैं भाई, और गंदे कर लिए मैंने। तो हाँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टिल देन बाय।